Good morning, young ones. I am your trainer Pooja. Today we will start the chapter number 18 of our book Grammar Glitter Odyssey of Grade 5 by Brain Root. It's a product of Amit Publishing House. So children, today we will start our chapter number 18, that is question tags. What are question tags? So we will study this thing in this chapter. Let's start. Retreat. We change the positive statement into interrogative without changing of the subject and verb. Retreat. We change the positive statement into interrogative without changing the order of the subject and verb. हम सब्जेक्ट का और वर्ब का जिसके बारे में बात हो रही है और जो बात हो रही है उसका पोजीशन, उसका ऑर्डर चेंज करे बिना कैसे एक स्टेटमेंट को, एक सेंटेंस को क्वेश्चन बना सकते हैं. वी डू दैट बाय एडिंग. वी डू दैट by adding or. I adding a short question at the end of each positive sentence. एक positive sentence के end में आप एक short question add कर दीजिए और वो positive से negative बन जाएगा. कैसे? A question tag is a group of words which is added to the statement, which is added, याद रखेंगे, to the statement to turn into the question. तो हम statement में add करते हैं और उसको क्या बना देते हैं, एक statement में हमने एक छोटा सा question, वो group of words जो हैं, add करे और उसको एक question बना दिया. क्या है वो group of words? अगर subject है it और verb है is और complement है a holiday tomorrow, तो वर्ब क्या आएगा? वर्ब के आगे आप एंटी इजेंट इट लग जाएगा. अनीता हैज अ बाइसाइकिल. हैजंट शी. दे हैव अराइव्ड. हैवंट दे. हैवंट दे. अनिरुद्ध वॉज पेंटिंग अ पिक्चर. वॉजंट ही. प्रोनाउन. शी विल गो. Want she. तो क्या करा? वर्ब के आगे आपने कुछ एंटी नॉट ऐड करके और उसको आगे आपने प्रोनाउन ऐड कर दिए तो क्या बन गया? आपका क्वेश्चन बन गया. ये सिंपल सा रूल है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके आगे आप वर्ब के आगे नॉट भी लगा के आप उसको प्रोनाउन को ऐड करके आप उसको क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं. इंटरप्रिटेशन. द टैग question will always have the same tenses as the verb. जो question tag है, जिस question tag को हम बना रहे हैं उसमें सारे tenses same रहेंगे. कुछ भी change नहीं करना, बस आपको verb में not लगा देना है और pronoun लगा देना है तो आपका sentence, आपकी statement जो है question में convert हो जाएगी. चलिए, द सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट मैचेज विद द सब्जेक्ट इन द टैग एज अ प्रोनाउन. जो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है वो मैच करना चाहिए किससे? सब्जेक्ट इन द क्वेश्चन टैग. आ जाते हैं अपने टास्क पे. चेंज दी स्टेटमेंट्स टू क्वेश्चन यूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन टैग. आपको इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, क्या करना है, चेंज करना है क्वेश्चन टैग में. कैसे होगा? The children are sleeping. आपका सब्जेक्ट है और क्या है? वर्ब है, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट है. The children are sleeping. The children are sleeping. Aren't they? आर इसमें आपका क्या हो जाएगा? आप इंक्लूड कर देंगे वर्ब के साथ नॉट और फिर दे. ये आपका क्या बन गया? क्वेश्चन. यू आर स्लीपी. Aren't you? The match has ended. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, has the match ended?
आप इसको आगे लगा दीजिए है इसको. द स्कूल इज क्लोज इजंट इट. द स्कूल इज क्लोज इजंट इट. हिज हाउस इज फार अवे इजंट इट. तो आपको ऐसे ही क्या करना है कि आपको आपका जो भी वर्ब है उसमें आप नॉट लगा के और प्रोनाउन लगा के उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन टैग. रीट्रेक्ट नाउ रीड दी सेंटेंसेस. वी पैक्ड एवरीथिंग डिडंट वी. सेम है आपका. यू लाइक दिस एक्टर डोंट यू. तो आपने क्या करा है यहाँ पर, यहाँ पे हमने कैसे कन्वर्ट करा है. When there is no helping verb, कोई भी helping verb नहीं है in the sentence, we use do, does and did. तो जो कोई भी helping verb ने in नहीं है, are नहीं है, has नहीं है, तो क्या होगा वहाँ पे हम did, does और do का use करेंगे. The food tasty, is it? It wasn't tiring day, was it? The team hasn't performed, already not है, तो अब दोबारा थोड़ी लगेगा. तो आपका आ जाएगा has it. नॉट लगा के आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हैज इट कर देंगे, उसका अपोजिट हो जाएगा. हेयर वी चेंज द नेगेटिव स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन बाय एडिंग अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. हमने नेगेटिव था पहले, हमने पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया तो हमने नॉट लगाया. अब नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो हमने इसके अंदर नॉट हटा देंगे. सिंपल रूल है हमारा. प्रोवोकेशन. Read the following statements and fill the gaps using correct question tag. Chuhi is from Mumbai, isn't she? We are late for this movie, aren't we? Sam isn't a good boy, is he? यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे. I was wrong about this, wasn't I? Angie was present at the school yesterday, wasn't he? You have done your homework, haven't you? Please stop talking. I am afraid Tim is very sick. Two I will left for you. You have to solve this as an homework. Read the statement and fill in the blanks with the correct question tag. You have to read this statement and fill it with the correct question tag. Let's go surfing. Let's go surfing. Read the sentences and fill in the blanks with the correct question tag. Let's go surfing, shall we? The children are sleeping, aren't they? The pan is hot, isn't it? Arvi doesn't like solving math problem, does he? So like this you have to convert the statement into question tag. If the statement is positive then negative may convert ho jayega. If the statement is negative then and not hata ke aap positive may convert kar dijiye. So like this you have to convert the statement. This is very simple. डायरी राइटिंग. वॉट इज डायरी राइटिंग, क्या है डायरी राइटिंग. अ डायरी एंट्री इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ आर फीलिंग. कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उन बातों को किसी को बता नहीं पाते. तो हम क्या करते हैं कि एक डायरी लेते हैं और उसमें अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं और उसको बोलते हैं डायरी राइटिंग. कि हमें डायरी राइटिंग हम कर रहे हैं, दैट इज अ पर्सनल फीलिंग. वो हमारा एक पर्सनल रिकॉर्ड होता है अबाउट डिफरेंट इवेंट्स और इंसिडेंट्स जो हमारे साथ हुआ पूरे दिन में. अ डायरी एंट्री मस्ट ऑलवेज हैव द डेट, डे एंड टाइम. आपने किस डेट में लिखी है, किस डे में लिखी है और किस
टाइम में लिखिए, आप मेंशन करिए पेज के ऊपर, सो टुडे इज, लाइक टुडे इज मंडे एंड द डेट इज 12th of January और फरवरी और जून, वट एवर द डेट इज एंड द टाइम, लाइक 8 o'clock, 8 PM, 9 PM, लाइक दिस. वेन इट वॉज रिटन, कि कब लिखी गई है. द डायरी, सॉरी द एंट्री दैट बिगिंस विद अ सैल्यूटेशन लाइक डियर डायरी. कैसे शुरू करते हैं हम, किससे बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक डायरी से, उसे हम अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं. तो हम लिखेंगे डियर डायरी. द पर्सन राइटिंग द डायरी हैज़ टू साइन ऑफ विद हिज और हर नेम, और जो लिख रहा है उसे लास्ट में अपना नेम लिखना है. तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, डायरी राइटिंग करते हैं. हेयर इज अ सैंपल ऑफ डायरी राइटिंग. यू डिसलाइक द बिहेवियर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड, राइट अ डायरी एंट्री अबाउट योर फीलिंग्स इन 120 वर्ड्स. हेयर यू हैव टू राइट अ डायरी इन द फीलिंग ऑफ 120 वर्ड्स. सम बिहेवियर ऑफ योर फ्रेंड यू डू नॉट लाइक दैट बिहेवियर, आपको नहीं पसंद आया तो आप डायरी लिखेंगे. चलिए पढ़ते हैं क्या है. Monday 4th January 2024 23 whatever it is 9 PM. Dear diary, today I feel quite sad. Rohan annoyed me greatly today by pushing me in the playground for no reason. Rohan ने मुझे मारा और मुझे push करा है playground में बिना किसी reason के. I fell down and might. तो ऐसे ही वो अपना आज का इंसिडेंस बता रहा है. And good night and his name is Harsh. तो ऐसे ही कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं है मेरे पास ऐसा कोई, या मुझे ऐसा कोई इंसिडेंस है मेरे मन में जो मुझे किसी से शेयर नहीं करना है, तो यू कैन राइट अ डायरी फॉर दैट. सो नाउ व्हाट आई एम राइटिंग डायरी एंट्री, मैं आपके लिए पहला पढ़ देती हूँ. इन योर डायरी डिस्क्राइब द गोल्स दैट यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ. लिखिए कि आपने अपने लिए सबका, एवरीबडी हैव सम गोल इन लाइफ चिल्ड्रन, सो यू हैव टू राइट द गोल इन योर डायरी. सो लाइक दिस 5 टॉपिक्स आर गिवन, यू राइट डायरी. सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक, आज का चैप्टर दैट इज क्वेश्चन टैग एंड डायरी राइटिंग समझ आया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.